नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं डेली न्यूज अलर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सरकारी योजनाओं के लिए सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी कोई बड़ी खबर अपलोड की जाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। राशन मिल गया, आयुष्मान कार्ड भी है आपके पास? अभी उसकी जरूरत तो नहीं पड़ी कभी? और गैस कनेक्शन? गैस पे रोटी बन रही है? गैस बंद करके धर रही? नहीं, गैस पे रोटी बन रही है। गैस से बन रही है क्या? हाँ। पर की साल लॉकडाउन में 1,000 रुपया भेजा था हमने, वो मिला था कि नहीं? मिल गया था। अभी 1,000 रुपया और डाल रहे हैं ताकि इसमें जनता कर्फ्यू में काम धाम थोड़ा कम मिल रहा होगा, इसलिए कोई परेशानी ना हो। अच्छा, आपके गांव में जनता ने जनता कर्फ्यू लगाया है सबने मिलके? हाँ, लगाया है। तो उसका पालन कर रहे हैं सब लोग? हाँ, कर रहे हैं। चलो, और मुझसे ज्यादा गुस्सा तो नहीं है कि कहाँ का मुख्यमंत्री परेशान करता रहता है, आओ मत जाओ मत, वैक्सीन लगाओ? ऐसा कुछ भी नहीं सर। नहीं है? अच्छा, तो आपको बहुत 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 बधाई आपको, ठीक है। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मंत्री विभाग के आदरणीय बृजेंद्र सिंह जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, अलग अलग जिलों में मुझे सुन रहे भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल के मेरे प्रिय मजदूर बहनों और भाइयों, आज आपके खाते में 112 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डाली गई है 1,000 रुपया करके। आप जानते हैं कि कोरोना की महामारी ने एक बार फिर हमारे प्रदेश को जकड़ा, हमारे देश को जकड़ा। और कोरोना की महामारी अगर नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, ठीक करना है, तो उपाय एक ही है कि हम सामाजिक दूरी बनाए, शारीरिक दूरी बनाए। भीड़ भाड़ कार्यक्रम, आना जाना, मिलना बैठना, शादी विवाह, इससे कोरोना बढ़ता है, इसलिए कि एक से दूसरे को फैलता है। अगर एक व्यक्ति को कोरोना है, कोरोना वायरस है उसके शरीर में, तो खांसेगा, छींकेगा या हाथ में लगा कहीं हाथ रखेगा, बाद में आप वहां हाथ रख दो तो आपके हाथ में लग जाएगा, और आपने हाथ नाक पे या मुंह पे ले गए तो आपको भी कोरोना हो गया। इसलिए इस बीमारी को अगर कंट्रोल करना है तो एक ही उपाय है कि हम अपने घरों में रहें, भीड़ वाले कार्यक्रम ना करें, घर में भी हम दूरी बनाए, एक से दूसरे के बीच कम से कम 2 गज की दूरी रहे, मास्क लगा के रखें। ये मास्क की बात बार बार इसलिए कहते हैं कि नाक के और मुंह के जरिए ये शरीर में अंदर प्रवेश करता है। मास्क से नाक और मुंह अगर दोनों ढके रहते हैं तो फिर अंदर हमारे शरीर में जाने का कोई रास्ता उसको नहीं मिलता। इसलिए हमको कोरोना जो मास्क लगाते हैं, और ईमानदारी से लगाते हैं, कई दाढ़ी में लगा लेते हैं, कोई नाक के नीचे खिसका लेता है, वैसे नहीं, पूरे चेहरे को कवर करना पड़ता, मतलब तेल जैसी चीजें जो बहुत जरूरी है वो भी खरीदी जा सके। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पिछले साल भी 2 बार आपके खाते में 1,000 रुपया डाले थे ताकि संकट के समय आपका काम चल जाए।
तुलसीदास जी ने रामायण जी में लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। लेकिन सरकार की परख भी आपतकाल में ही होती है। जब हम मजबूर हैं, परेशान हैं, तब सरकार मदद करे तो सरकार है, और मामा की सरकार मदद ना करे ये कैसे हो सकता है। इसलिए हमने तय किया कि 1,000 रुपए की राशि भी खाते में जाएगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब कोरोना कंट्रोल हो रहा है, थोड़े दिन में काम धाम सामान्य हो जाएंगे, लेकिन कोरोना काल में ही हमने फुटपाथ पर सामान बेचने वाले गरीब लगभग मजदूरी करते छोटे छोटे दुकानदार, हाथ ठेला वाले, गुमटी वाले, उनके खाते में भी 1,000 रुपया डालने का फैसला किया था ताकि उनकी मदद भी हो जाए। कोरोना में जो बीमार हुए, आप सबको आयुष्मान कार्ड बना के दिए, भगवान न करे आप कभी बीमार हो, 5,00,000 रुपए तक का इलाज साल भर में निःशुल्क होगा प्राइवेट अस्पताल में भी। सरकार सबकी, लेकिन सबसे पहले भैया गरीबों की है रे। इसलिए आपके लिए संबल योजना भी बनाई, और संबल योजना में बच्चों की पढ़ाई लिखाई निःशुल्क, बेटा बेटी के जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 दो बेटा बेटियों तक बहन को देने का प्रावधान किया, बिटिया की शादी के लिए पैसे। हमारी इस योजना में भी बिटिया अगर है हमारे परिवार में तो शादी की जवाबदारी हमारी है, बिटिया की शादी में पैसे नहीं लगेंगे। सस्ती बिजली देने का फैसला किया, बीमारी में इलाज हो जाए, मृत्यु की मैं बात नहीं करता लेकिन उस पर भी अनुदान है। एक्सीडेंट में 4,00,000, सामान्य मौत पर 2,00,000, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। ये संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना हमारी ताकत बनी, हमारा संबल बनी। सरकार आपके साथ खड़ी रही, और इस कोरोना काल में भी अगर गरीब भाई बहन बीमार हुए तो आयुष्मान मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत प्राइवेट अस्पताल में भी हमने निःशुल्क इलाज करने का फैसला किया। भगवान ना करे, लेकिन कुछ परिवार ऐसे थे जहां बच्चे रे अनाथ हो गए, उन बच्चों को जीवन भर 5,000 रुपया पेंशन, 24 साल की उम्र तक 5,000 रुपया पेंशन दी जाएगी, निःशुल्क राशन दिया जाएगा, पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। एक नहीं कई तरह की योजनाएं चलाई, इसलिए कि मैं आपके लिए हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लिए है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोरोना से लड़ रहे हैं। आज आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, कोरोना तो अब कंट्रोल हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे हम खोलेंगे 1 तारीख से, लेकिन वायरस तो है, कहीं थोड़ी गया है। और अगर हमने भीड़ भाड़ मचा दी तो फिर से कोरोना बढ़ने में देर नहीं लगेगी। और अभी कितना कष्ट हमने उठाया है, जो बीमार हुए उन्हें कितनी परेशानी भुगती है, जो बीमार नहीं हुआ उनके भी सारे काम धंधे बंद हो गए, कितनी तकलीफें आई है। क्या बार बार हम ये तकलीफें झेलेंगे? आखिर कब तक हम बंद करेंगे? इसलिए एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, कोरोना से बच के रहना है तो देखो भैया, अभी भी कोरोना से लड़ाई के लिए गांव गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनी, गांव के लोग ही तय करें जनता कर्फ्यू के बारे में। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, शहर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी,
बार्ड की शहर में, और ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी।